जो दिन अज है सदा यह नहीं रहना, दिनों विच गर्दश है। कबीर नामदेव जी का शायद कबीर जी का एक शब्द है नामदेव जी का, कबू खीर खांड घ्यू ना पावे। कदी तुसी देखदे हो परमात्मा इन्ना कोई दिंदा है कि बंदे का चित नहीं करता। वो खंड नूं कबीर साहब नामदेव कहिंदे आ घ्यो नूं शक्कर नूं जिन्ने कीमती पकवान ने उन्हां नूं ठुड्डे मारदा है नहीं। ते महाराज कहिंदे आ कदी परमात्मा की यह भी समर्था जे एहो जी खेड वरता दिंदा है, बंदा झोली पा के लोकां दबुवें अगे खलो के रोटियां मंगदा है कि मैनू रोटी मिल जाए। कमाल दी गल, कईयां नू रोटी नहीं मिलदी, वह ठुड्डे मार देंदे ने। ते वह बेचारे जिहड़े कदी खंड घ्यो नू धक्के मारदे सन, पैरां दे ठुड्डे मारदे सन, अज कूड़े दे ढेर ते बैठे होए। जिन्हां ने लोकां ने रात खाणा खा के सट्टिया उहदे विचों चुण चुण के दाणे खाई जांदे आ। दिल्ली आपां कई वारी देखिया जी, जिथे मैरिज पैलेस ने ना जी, जदों रात नू विआह हो जांदे ने सवेरे सब कुछ छड्ड दिंदे आ, उत्थे निक्के निक्के बच्चे नगन अपने हत्थां नाल जूठ विचों दाणे चुंदे ने। खैर तां उह वी बंदे ना। मेरी बेनती उस परमात्मा की खेड का कोई पता नहीं। गुरु ने शब्द वरत्या कि तू घबरा ना, तेरे अंदर की पीड़ा तेरे अंदर की बिरथा सुनेगा, वह सुनेगा जिहड़ा सब कुछ करन दे समर्थ है। बेनती असीं पहला सिर्फ समर्थ शब्द लिया है। हजूर का बचन है कबू खीर खांड घ्यू ना भावे, कबू घर घर टूक मंगावे, कबू कूरन चने बिनावे, बिना चूना कदी कूड़े तो छोलिया के दाने पिया कट्ठा करता है। महाराज कहते कबू कूरन चने बिनावे, कबू तुरे तुरंग नचावे, कदी कीमती अरबी घोड़िया नचांदा है। ते कदी एह कोई जे दिन आ जांदे ने पैरां च पाण वास्ते जुत्ती भी नसीब नहीं हुंदी। कबू तुरे तुरंग नचावे, कबू पाए पनियो ना पावे। महाराज कहिंदे कबू खाट सफेदी सवावे, कदी रोज बिस्तरा बदलिया जांदा है। कई वारी केवल कख लै के कबू भूम प्यार ना पावे, पराली चुकी फिरदा है कि दुकान का शटर बंद हो जाएगा, इहदे बूहे अगे मैं पराली विछा के पै जाऊंगा, कि उहदी समर्था नहीं। चलो आपां इस पक्ष तों नहीं लैणा भी यह सोचिए भी आह कुछ जो कह रहे हैं भी नैगेटिव अप्रोच नहीं, दूजे पासे होर भी समर्थ है। रुलदियां ते बख्शिश भी करता है। रविदास साहब ते किरपा हुई। मैं एक बार अर्ज कीती सी कि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ने मान अपमान की अवस्था नूं बराबर किया, पर जिथे लोड़ पई उत्थे भगतां ने हाथ जोड़ के कहा इज्जत जरूर बख्शी। तुसीं देखो एक पाठ कर दिओ, मान मांगू तान मांगू तन लक्ष्मी सुख दे। हुण जिन्हां नूं जिवें हुण भाई साहब शब्द पढ़िया, जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, गुरु रामदास जी का शब्द। हुण इस शब्द विच दो गल्लां ने, आम बंदे नूं मान मिलदा हंकार विच कहिंदा अपनियां कमाइयां नाल इज्जतां बणाईयां ने, सुणी दे असां कमाइयां कीतियां इन्नी घल ना काली तां इज्जतां बणियां, दुआई रब दी बिल्कुल झूठ जे। जदों बंदगी करन वाले नूं इज्जत मिलदी है उह कहिंदा मैं इहदे लायक नहीं सां, जिथे तूं मैनूं पहुंचा दित्ता तेरी किरपा है। उह कदी नहीं कहिंदा मेरी घल ना। हुण महाराज इत्थे कहा जो खमरी बिद होती मेरे सतगुरा, इसे तरह एक बचन कहे महाराज सच्चे पातशाह का। रविदास साहब का शब्द तुहानूं सब नूं शब्द चेते वे, जिहड़ा सब कुछ करन दे समर्थ, वह शब्द कहे ऐसी लाल अर्थां दी लोड़ नहीं, ऐसी लाल तुझ बिन कौन खरै, गरीब निवाज गुसैया मेरा मत है छत्र तर है, जा की छोत जगत को जिदे परछावे तो लोग डरते ने भी ये शोधरक है, जा की छोत जगत को लागे ता पर तू ही टरै, नीचे ऊंच करै मेरा गोबिंद। अगे समर्था है वह ना तो वोटिंग नाल उच्चिया करता है, ना वह किसी के लोगों की राय लैके उच्चिया करता है। महाराज कहते हैं ऐसी लाल तुझ बिन कौन करै, गरीब निवाज गुसैया मेरा मत है छत्र तरै, जा की छोत जगत को लागे ता पर तू ही टरै, नीचे ऊंच करै मेरा गोबिंद, काहू ते ना डरै, नाम दियो कबीर तरलोचन सदना
सहन तरह, अगली तो की समर्था है जी, नाम दियो कबीर त्रिलोचन सदना सहन तरह, कह रविदास सुनो रे संतो हर जियो ते सब है समय सरह दा अर्थ सब कुछ करन दे समर्थ। मैं बेनती है जी, एक ता पक्ष है जेड़ा सब कुछ करन दे समर्थ है, हर चीज ओदे खातिज है। महाराज कहिंदे ने एडी वड्डी समर्था कि समर्था वाले भी ओदे सामने असमर्थ हो जाते हैं, जेड़े बहुत समर्था रखते आ ओदे सामने वह भी असमर्थ हो जाते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी दे ए बचन के वीर अपार बड़े बरियार अब चार है सार की धार पछैया, किड्डे समर्थ ने जी, वड्डे वड्डे सूरमे जेड़े अपने चेहरे ते अपने जिस्म ते इउं कह लो गोलियां दे फट तलवारां दे फट तीरां दे फट, वीर अपार बड़े बरियार अब चार है सार की धार पछैया, तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया। हाथियां नूं मलन वाले किलियां नूं तबाह करन वाले, माते गजान के मान मलैया, गाड़े गड़ान को तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया, साहिब श्री सब को सिरनायक। इनी समर्था वाले महाराज कहिंदे ने जाचक अनेक, इनी समर्था वाले ताकत वाले मंगते बन के उस परमात्मा दे दर ते मंगदे ने, अपने आप नूं समर्थ कहिंदे ने, इहो जे समर्थ भी रब दे घर दे मंगते ने। मैं फिर बेनती करांगा जाचक अनेक सो एक दवैया। हुण इत्थों असीं अद्धा पख लिया जी, हर समृथ पुरख अपार जिहड़ा समर्थ है सर्व व्यापक है। आरंभ च महाराज कहिंदे जी की बिरथा सो सुने, अंदर दी वेदना अंदर दी पुकार वह परमात्मा सुनदा जिहड़ा सब कुछ करन दे समर्थ है। भावें अरदास दी विचार असीं बहुत साल पहला इत्थे कीती, ते इंज गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करो, एक नाम दूजा गुरु ते तीजी अरदास तो बिना है कि विच गुरु ग्रंथ साहिब जी दी है कि दा मतलब होर बाकी गल्लां वखरियां पखंड परपंच, पर सिर्फ एक कोई तरला गुरु नाम ते अरदासां ने। हुण पार ब्रह्म परमात्मा अंदर दी वेदना सुनदा है, ते दास ने एक बार अर्ज कीती सी ठीक है शब्दावली अरदास सच एवे बेबसी विचों जदों लफज निकलते ने वह लफज रब दे घर दे दरवाजे तोड़ देंदे आ, कमजोरी विचों जदों बंदा असमर्थ हो जाता है। तो गुरु ग्रंथ साहिब विच बड़े शब्द ने जदों बेबसी विचों आत्म समर्पण करके निम्रता दे बोल किसी भी सीने विचों निकलते ने परमात्मा दे दर ते सीधे सुने जाते हैं। भावें कि डॉक्टर नेकी साहब उन्हां दी अरदास दे तुल किसे किस उस बराबर ते किताब कोई नहीं जो लिख है, पर उन्होंने शुरुआत एक अंदर दी वेदना तो कीती सी कि अंदर दी बिरथा, ते उन्होंने मलाना रूम दी एक कहानी पहला दर्ज कीती सी मसनवी विचों। चलो सिद्धी जी गल के गडरिया भेडां चारन वाला आजड़ी वो इको गल कह रहा सी, रुख थले बैठा अंतर आत्मे जुड़िया डूंगा, उन्हें यही शब्द कह सन परमात्मा आपां इकट्ठे रहिए मैं तेरे कपड़े धोवांगा, तेनू ताप चढ़ गया मैं जड़ी बूटी नाल इलाज करांगा, जे तेनू गर्मी लग गई मैं बकरियां दा दुध पियांगा क्योंकि बकरी दा दुध ठंडा हुंदा है, ये सब नू पता होना है, मैं तेनू बकरी दा दुध दियांगा कपड़े धोवांगा, बुखार चढ़ गया मैं तेरे ताप लैण दा प्रबंध करांगा। इतफाकन उत्थों हजरत मूसा साहब निकल रहे सन, उन्होंने सुनिया रुक गए, उन्होंने वट के चपेड़ मूँह ते मारी कंबखत जिहड़ा सब दी पालना करन वाला तू कौन है दुध देण वाला, जिहड़ा सब दे दो कटदा तू उहनूं ताप चढ़ा देंगा, जिहड़ा सब नाल इह कुछ करदा है। ते अज भी चेते रखियो शरां च बद्धा होया बंदा जदों प्रेम की गल कोई करदा है शरई बंदा उहनूं काफर कहण लग पैंदा है, शरा विच बद्धा कहिंदा नहीं, वह इस तरह पैमाने विच गिनती मिनती विच रब नूं उहनां चपेड़ मारी तू कौन, वह बेचारे दियां अखां च पानी आ गया। हजरत मूसा गया पर कहिंदे ने कहतूर ते उहदे कन्न च आवाज पई, तू ना बराए वसल करदन आमदी तू बराए फसल करदन आमदी। यह दो शब्द ने वसल ते फसल, वैसे फसल आपां बार भी कहिंदे फसल दा अर्थ हुंदा तोड़ना कटना,
कह लगे तू ना बराए फसल करदन आमदी, तू बराए वसल करदन आमदी, तू इस करके धरती ते नहीं आया कि किसे जुड़े होए नू चपेड़ा मार के तोड़ दे, तेनू किन्ने अधिकार दिता। सच एवे तू जुड़े होए दा अंदर तोड़ के आया ते केड़े झलक तू पाण वास्ते आया। हुण उहदे कोल शब्द कोई नहीं सन जी, वह भेडां वाला आ जिहड़ी उहदे कोल ज्ञानी वाली कोई शब्दावली नहीं। उंज मैं बेनती फिर करदे आं कि शब्दावली नाल रीझदा हुंदा ते सारे रिझाल जांदे। गुरु रामदास दे बचन रोज पढ़े जांदे ने, कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर, नहीं हर हर भीजै राम राजे, जिन्हां अंतर कपट विकार है तिन्हां रोए क्या की जयपरिस। तो अगला जिहड़ा आसा महला चौथा, जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ सियाने राम राजे, जे बाहरों भुल चुक बोल दे भी खरे खर पाने। इत्थे महाराज कहिंदे ने अंदर दी जिहड़ी वेदना है बेपलता विचों असमर्था विचों, मैं चलो शब्द बेबसी वरत्या है, बेबसी कमजोरी बेबलता, जदों कुछ भी परना आसरा ना रहे, सच एवे फिर उस समर्थ उस बेनती नूं सुणदा है। चलो असी बाणी चों कुछ प्रमाण लै लईए। एक तो गुरु अर्जुन देव जी का बचन कि प्रथम है मता जे पत्री चलावो, द्वितीय मता दो मान पहुंचावो, तृतीय मता किच करूं उपाया, मैं सब की छोड़ प्रभ तू ही त्याया। उथे बाकी कोई समर्था नहीं विखाई, ना सियाणप ना कोई बंदा कुछ भी नहीं। दूसरा मैं अर्ज करना हुना कि गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी के भोग वेले जिहड़ा दोहरा गुरु तेग बहादुर साहब ने दर्ज किया सच्चे पातशाह ने सचमुच, इस दा अर्थ कमजोरी नहीं आवां कि यह भी कहा जाता है महाराज ने उथों लिख के भेजिया यह दोहरा, पर असल च यह भी प्रश्नोत्तरी है जी। उस विच इन्नी बेबसी दर्शाई गई कि ताकत नहीं रही, बंधना ने पकड़ लिया, सच्ची मुची उपा भी कोई नहीं रहा। इहदा मतलब इन्नी बेबसी कोई भी उपा नहीं। ते फिर एक पुराणक उदाहरण लै ली, हाथी तो बेचारा तंदवे ने ग्रस लिया, पर मेरे परमात्मा जिवें उत्थे बचा दिता इस बेबसी विचों भी जीव नूं कढ़ लै, इहदा मतलब वकारां दे बंधन पै गए, आत्मक बल कटिया गया, मन मेरे नूं वासना तंदवे ने पकड़ लिया। महाराज कहिंदे जिहड़ा इन्ना ग्रसिया होवे फिर उह समर्थ इको दम पलट दिंदा है। असीं पढ़ने आ बल छुटकियो बंधन परे कछु ना हो तो पाए। मैं कहना हुना कि यह तो एडे कमाल का बचन, इत्थे कोई दसो मैनू दसो कोई समर्था है? ताकत कोई नहीं, सियाणप कोई नहीं, बेबसी 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 का अर्थ निराशा नहीं करना, इत्थे निम्रता है। यही गल महाराज ने शेख ब्रह्म नूं कही सी, शेख ब्रह्म याद रखी जेडे निम्रता विच रहिंदे ने अरदास करदे ने, एक दिन उच्चे हुंदे ने, वह कहिंदा जी किवें, कहन लगे शेख जिवें फुहारे का पानी जिन्ना नीवा होवे उन्ना उच्चा उठदा है, जिन्ना कोई निम्रता विच रह के अरदासां करदा उहदी सुरत उची उठदी है। इत्थे शब्द बेबसी है कि बल छुटक्यो बंधन परे कछु ना हो तू पाए, कहो नानक अब ओट हर गज ज्यों हो सहाय। हुण इस बेबसी विचों जिहड़ी समर्थ ने किरपा कीती वह अगले बचन ने बल होवा, देखो बदल गया सब कुछ। बल छुटक्यो इत्थे बल होवा, उत्थे सी बल छुटक्यो बंधन परे बल होवा बंधन छुटे, उत्थे सी कछु ना हो तू पाए, इत्थे महाराज कहिंदे सब किछ हो तू पाए, नानक सब की तुमरे हाथ में सिमरत है, तू तू बिरथा सुनना है, नानक सब की तुमरे हाथ में तुम्ही होत सहाय। पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु ओ अंदर दी वेदना अंदर दी पीड़ा ओ अंदर दी जिहड़ी है उस बख्शिश नूं सुनदे ने। हा अगली बाण, एक तां अरदास, दूसरा मैं एक बार ये मंजी साहिब भी कहा, जड़ो जदों भी कोई दान पुन करदा है कोई धर्म का कर्म करदा है, सच एवे परमात्मा व्यर्थ नहीं जान देंदा। सिर्फ एक एक दो उदाहरण लैनी, असी महाभारत की सारी घटना तो जाणू आ, इहनू असी अखां मीट के क्योंकि बाहर दे सिख कई बार सुनू तैयार नहीं हुंदे, पर गुरु ग्रंथ साहिब च आईयां गल्लां नूं किवें आपां खंडन कर देंगे।
राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव बिदर को देखियो। ते बिदर दे ए शब्द दी व्याख्या करन वास्ते हस्तनापुर दी साकी दा जिक्र करना पड़ेगा। बिदर दासी दा पुत्र है। महाराज ने कहा दी जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए, पूछो बिदर दासी सुत किशन उतरिया घर जिस जाए। ते ए शब्द गुरु रामदास दा है सोई राग दा, पर इत्थे दसना पेगा। असी सारे कहने कि सिर्फ उन्हें इको शब्द कहा सी अंध के अंध रहे, यही क्या ना दुर्योधन अन्ने दा तू अन्ने ही रहा। ते गीता शुरू भी इतों हुंदी है कि धृतराष्ट्र संजय तो पुछदा है कि मैं कुरुक्षेत्र भी जो कुछ हो रहा है वापर रहा है मैं बारे दस, क्योंकि उदियां अखां कोई नहीं। चलो उत्थे शुरू हुंदी है गीता सारी। पर द्रौपदी का चीर हरण होया, गुरु ग्रंथ साहब ने उन्हूं मन्या, फिर द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी छीनत बस्तर दीन बहु साज, सुदामा अपदा ते रखिया गनका पड़त पूरे ते काज, सुदामे नूं बचाया। मेरे मन च एक दिन पाठ कर रहा सां भाई साहब दियां कवितां दा, द्रौपदी का चीर हरण बच गया, बच गई, सुदामे की दरिद्रता कट्टी गई। ते सराम सुदामे का ते कृष्ण जी का मैं पिछले दिन ही कहा जिथे मेल होया उसका नाम है द्वारका बेठ, गुजरात दे विच है। हुण द्रौपदी का चीर करन हो रहा, वह अरदास बेबस है ना जी, बेबसी पांडव बैठे आ, पितामा बैठा, द्रोणाचार्य बैठा। पर भाई साहब ने एक नवा नुकता दिता, गुरदास साहब ने कहिंदे ने कि असल च इहदा पत तां बच गई क्योंकि द्रौपदी ने एक वारी दरबाशा ऋषि इशनान कर रहा सी, उहदी कुपीन रुड़ गई, अपनी साड़ी का पल्ला पाड़ के उस वल सटिया, उन्हें कपड़ा पकड़ के कहा सी कि मेरे नगेज नूं टक्कण वाली है परमात्मा तेरे नगेज नूं टक्केगा। सिर्फ उन्हें कपड़े की गल की। सदामे ने की पुन बीज बीजा, सिर्फ थोड़े जे दाने दिते। हाथी ने सिर्फ कमल का फुल भेट किया, इहदा मतलब जेड़ा पुन कर्म है चाहे गुरुद्वारे है चाहे मानवता दा है, परमात्मा पुन कर्मा नूं सड़न नहीं दिंदा। भाई साहब ने लिखिया कि द्रौपदी कपीन मात्र दई जो मुनिस रहें, तांते सभा मद बहो बसन परवाह जी, तनक तंदुल दुगदीशै दिए दय सुदामे, तांते पाए चतर पदार्थ अथा जी, जुगत गजिंद अर बिंद गए पेट राखै, तांके काजै चक्र पान आन ग्रसै ग्रह जी। इत्थे बिनती जी पहला बचन महाराज जी ने किया कि अंदर दी बिरथा अंदर दी पीड़ा भाई सिखो अंदर दी वेदना वह परमात्मा जी सुनते ने जेड़े सब कुछ करन दे समर्थ ने। महाराज जी ने पहला बचने कहा कि जी की बिरथा सो सुने, आप अर्थां वल ध्यान दिया जी। जी मैं कल भी बेनती की सी एक शब्द जियो आउंदा एक जी आउंदा है, जिथे जियो आउंदा एक वचन जी आउंदा बहुवचन, जिथे पाओ आउंदा एक वचन जिथे पाम आउंदा बहुवचन बाणी च। ये महाराज की बाणी के कई शब्द ऐसे ने जी। इत्थे महाराज कहिंदे अंदर दी, इत्थे जी दी, अंदर जीव की जिहड़ी बिरथा है पीड़ा है सो सुने, कौन सुनदा है, हर समृथ पुरख अपार, ओ समर्थ परमात्मा सुनदा है जिहड़ा सर्व व्यापक है ते अपार दर्थ है जिस दा पार वाला बन्ना किसे नहीं पाया। महाराज अगे कहिंदे मरण जीवन, इत्थे मरण ते जीवन दोनों नाणे नाल ने जी, हालांकि मरण ते जीवन बाणी च नन्ने नाल भी आया। मरण जीवन ऐड़े नूं कन्ना लगा, आराधना आराधना नहीं पढ़ना, ए जो लिखा उत्ते मरण जीवन आराधना ऐड़े नूं कन्ना लगा, आराधना सबना का आधार ऐड़े नूं फिर इत्थे कन्ना लगा। उंज ते वैसे मेरा ख्याल गुरु ग्रंथ साहिब दे 100 अंग ध्यान नाल कोई संथ्या कर लै ते नाल ही सहज पाठ शुरू कर जाए समझ पैण लग पैंदी। आ छोटे जे नुक्ते ने, शरण मरण जीवन आराधना सबना का आधार, ये अर्थ शुरू करा। कल भाई साहब ने एक शब्द वरत्या अनवै, गुरु ग्रंथ साहिब च बड़े शब्द ऐसे ने जिन्हां दे अनवै अर्थ करने पैंदे ने, जो लिखे उस तरह नहीं अर्थ होणगे। मैं एक बार बेनती की सी मंजी साहब
ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕੰਧਾਂ ਵਾਹ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਸਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੀਂ ਉਸਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਧ ਰੱਖਣੀ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਨੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕੰਧ ਉਸਾਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੱਖੋ ਕੰਧ ਉਸਾਰੋ ਨੀਵਾਂ, ਉਲਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਨਵੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਸੰਪਰਦਾਇ ਅਰਥ ਨੇ, ਅਰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਰੱਖੋ ਕੰਧ ਉਸਾਰੋ ਨੀਵਾਂ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਲ ਕੀ ਭੀਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਬਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖੋ ਕੰਧ ਉਸਾਰੋ ਨੀਵਾਂ, ਸਾਢੇ ਤੀਨ ਹਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਤੇਰੇ ਸੌਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਮੁਤਾਬਕ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿੱਥੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਟੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੇਟਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਹੱਥ, ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਬੜੀ ਘੇਰ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਥਾਂ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰੇਗਾ ਘਣੀ ਤਾਂ ਪੌਣੇ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੱਖੋ ਕੰਧ ਉਸਾਰੋ ਨੀਵਾਂ ਦੇ ਅਨਵੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੱਖੋ ਕੰਧ ਉਸਾਰੋ ਨੀਵਾਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੱਖੋ ਨੀਵਾਂ ਉਸਾਰੋ ਕੰਧ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਅਨਵੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਬੜੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਨਵੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਆਰਾਧਨਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਆਧਾਰ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਆਧਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕਾਤ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਆਰਾਧਨਾ, ਅਨਵੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਆਰਾਧਨਾ। ਸੁਣਿਓ, ਮਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਨਮ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਆਰਾਧਨਾ, ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਆਰਾਧਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੌਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਆਰਾਧਨਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਵਿਕਲ ਭਈ ਨਹੀਂ ਪਾਨੀ, ਭਜਲੇ ਰੇ ਮਨ ਆਹਾ ਮਰਨ ਤੱਕ, ਭਜਲੇ ਰੇ ਮਨ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਕੁਦਰਤ ਕੀਮ ਨਾ ਜਾਣੀਐ ਵੱਡਾ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਇਹ ਨੇ ਅਰਥੇ ਦੇ, ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਚਰ ਘੱਟ ਮੈਂ ਸਾਹ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸਸੁਰੈ ਪਈਐ ਤਿਸ ਕੰਤ ਕੀ। ਸਸੁਰੈ ਦਾ ਅਰਥ ਸਹੁਰਾ ਘਰ, ਪਈਏ ਦਾ ਅਰਥ ਪੇਕਾ ਘਰ। ਤਿਸ ਕੰਤ ਕੀ, ਉਸ ਕੰਤ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਕੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤੀ, ਵੱਡਾ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ। ਹੁਣ ਸਸੁਰੇ ਪਈਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਅਰਥ ਸਸੁਰੇ ਪਈਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਪੇਕਾ ਘਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੈ ਮੰਝਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਪੇਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਸੁਰ ਤੇ ਪਈਏ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਕਾ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਈਏ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਸੁਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੈ ਵੰਝਣਾ ਸਭ ਕਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਪਈ ਅੜੈ ਸੌ ਸੇਵ ਤੂੰ ਐ ਸੰਸਾਰ ਪੇਕਾ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੌ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ,
पई अड़ै सो सेव तू, महाराज शब्द वरते ने, सौ रड़ै सुख वस। इहदा मतलब इस जीवन विच जिहड़ा शब्द है ना मरण जीवन, जीवन विच परमात्मा नूं चेते कर, इस पेके घर भी चेते कर, तेरा मरण तो बाद सौरा घर भी सुखी वसेंगे। इहदा मतलब देखो महाराज कैसी कमाल कीती, मरण जीवन नाल ही ससुरे पईए दे अर्थ होणगे, जीवन पेका कर ते मरण सौरा कर। महाराज शब्द वरदे आ कि सौरड़ै सुख वस, गुरमिल चज अचार सिख, तुद कदै ना लगै दुख। बुल्ले ने कहा वह शब्द बड़े मैनू चंगे लगे, वह कह लगे तू सुत्या उम्र मंझाई नहीं, तू चरखे तंद ना पाई नहीं, की कर सै दाज तैयार नहीं, उठ जाग घराड़े मार नहीं, तेरा सारा नेड़े आया नहीं, तू चोली दाज ना रंगाया नहीं। उन्हें शब्द वरते भी ये जरा पेका कर है, इथे वस्तु इकट्ठी खोनी है, ते एक दिन सौरे कर सब ने जाना है। महाराज ने शब्द वरत्या सबना सौरे बंजना, इहदा मतलब सब की मौत होनी है। सतगुरु बचन कर रहे भाई याद रखियो, ये भी बड़ी कृपा की, ससुरै पईए कंत की। असी भावें कहने ये पेका कर कूड़ है, जाना है, सहुरे घर का अर्थ है मौत तो बाद। गुरु अर्जुन देव कहिंदे ने भोलीए जिंदे हे जग्यासु, सहुरा घर भी उस कंत दा है, पेका घर भी उस कंत दा है। इसनू इहदा मतलब की है, वड्डा जिस परिवार उस खसम दा तां परिवार ही बड़ा वड्डा है। इहनू थोड़ा जिहा फिर खोलण वास्ते जी, उंज दुनियावी तौर ते पेका घर मापिआं दा घर हुंदा है, ते सहुरा घर पति दा हुंदा है। इत्थे होर महाराज ने गल कर दित्ती, ससुरै पईए कंत की, दुनियावी तौर ते पेका घर मापिआं दा है, सहुरा घर पति दा है, सहुरिआं दा है। पर याद रखी तू घबरा ना, इस पेके घर दा मालक भी तेरा वाहगुरु है, ते जिथे तू जाना सहुरे घर भी उहदा ही अपने हुक्म चलदा है। जिहनूं कहिंदे आ इह लोक सुखीए परलोक सुहेले, जिहनूं बाणी कहिंदी आ दोवें थां रखे गुर सूरे, जिन्हों बाबा जी कहिंदे आ सतगुर सिख का खालत पलत सवारै। इत्थे क्या भाई तेरा पेका कर संसार भी सहुरा घर भी, तिस कंत की उस जिदी तू है, इहदा मतलब जिस दी तू इस्त्री है, ये सहुरा पेका कर उसका है, ते वड्डा जिस परिवार जिदी फैमिली परिवार बड़ा वड्डा है। सच्ची मुची उहदे परिवार च कल्ले बंदे थोड़ा वा जी, असी तो परिवार भी सिर्फ हम जात नूं मानने आ ना, भी अपने परिवार विच अपने जी ने, उहदा परिवार इन्ना वड्डा है, उस विच पता नहीं किन्नियां कु जूनां उहने पैदा कर दित्तियां ने। वड्डा जिस परिवार, बड़ा वड्डा उहदा परिवार है, उहदा पसारा है। महाराज सच्चे पातशाह ने त्यां कहा कि 84 लख जून उहने पैदा कीती, एडा वड्डा उहदा परिवार है। साढ़े अंदर भी जूनां ने जी, वह भी उहदा परिवार है। अदृष्ट कई शक्तियां ने, वह भी उहदा परिवार है। महाराज कहिंदे सहुरे ते पेके घर दा खसम आप है, ते उहदा परिवार बड़ा वड्डा है। ऊंचा उस तो ऊंचा कोई नहीं, इत्थे ऊंचा हाइट करके नहीं मनना गुरमुखो, इहदा मतलब सुरत करके जिन्नी उचाई उहदी है ओडा ऊंचा होर कोई नहीं। आगम गम ते अगे अगे अगेतर अड़ा लगे जी, अगम का अर्थ है जिदे तक साड़ी पहुंच कोई नहीं, गमता दर से पहुंचना, अगम दर से जिदों तक साड़ी पहुंच नहीं। ऊंचा अगम, आगाध बोध, ये दो शब्द सुनो, आगाध का अर्थ है डूंगा, ते बोध का अर्थ है ज्ञान। कहिंदे ने उहदा ज्ञान इन्ना डूंगा है, उहदे ज्ञान का पारावार ही कोई नहीं। उच्चा है, अपहुंच है, आगाध बोध है, किछ अंत ना पारावार, उस परम पिता परमात्मा का कोई अंत पा ही नहीं सकता, पारावार ही नहीं। जे आप मान लो सिफत कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं कि अंत पा लेंगे, अंत ना सिफती कह ना अंत, यह की है जी, वह कोई सिफता ना अंत पाया जा सकता। महाराज कहने उसका परिवार वड्डा है, वह उच्चा है, वह आगाध बोध है, वो ज्ञान का कोई पारावार नहीं। फिर एक गल अगली सानू समझाई, सेवा सात इस भाव से, साध अर्थ ओ तिस का अर्थ है ओनू परमात्मा, भावसी का अर्थ है भावेगी, चंगी लगेगी, फ्यूचर भावसी
लेंदी दा शब्द है जी, जासी जिवें असी पढ़ने हैं, सेवा साथ इस भाव सी, यह सेवा उनू तां चंगी लगेगी, तां भावेगी की जी, संतां की होए चार, चार दा लफ्जी अर्थ धूड़, सच एवे तेरी कीती कोई सेवा तां उनू फलेगी जे तू संत जना दे चरणा दी धूड़ बन जाएगा। हुण इस नू थोड़ा जिहा असी जरूर वाच लईए, सेवा कर इत्थे निम्रता अधीनगी नाल सब दे चरणा दी धूड़ बन जाएगा, ते तां तेरी कीती हुई सेवा परमात्मा दी दरगाह विच कबूल होवेगी। असी बाणी च पाठ करने हैं जदों, सेवा लफ्ज बड़ा उच्चा है क्योंकि इहदा हर वारी जिक्र चलदा है, ते सेवा जिसनू परमात्मा तरस करदा है उहनू अपनी सेवा दी दात बख्शदा है। ते सच्चे पातशाह कहिंदे सेवा दा अर्थ केवल शरीरक तौर ते काम करना नहीं, शरीरक तौर ते कर्म सेवा दा हिस्सा है, उंज सेवा दा दायरा बहुत विशाल है, बहुत विराट है। आपां गुरुद्वारे आए हैं, चलो इत्थे क्या सेवा करने हैं, ये भी सेवा है। मैं एक बार अर्ज की, एक साडे बाबा खुदा सिंह जी होए ने, असल च उन्हां दा नाम सी जसवंत सिंह, थानेदार सन जी पुलिस विच, उन्हां दा पिंड करनाल दे नेड़े, जदों अंबाले तो किनार नूं जाइए जिटी रोड दे उत्ते पिंड आउंदा शामगढ़, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਸੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪੁੱਛਿਓ ਕਦੀ ਉਹ ਪੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਟੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ ਥਾਂ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥਾਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੇਵਾ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ परमात्मा नूं। देखो हुण भाई कन्हैया जी ने, भाई सुजान राय वैद है, सेवा ही है ना जी, ते बाबा खुदा सिंह जी बारे एक बार मैं जो कथा आप की सी, गुरसिखी की ये निशानी उतों मैं बेनती की सी, लाहौर विच इन्हां नूं नज़रबंद किया गया सी, बाबा खुदा सिंह जी नूं, ते इन्हां दी इबादत इन्नी सी कि काबली पठान जिहड़े सन अफगानिस्तानी, वह प्रभावित होकर जसवंत सिंह की थां कहिंदे सन इह तां खुदा आ गया है, खुदा सिंह तां नाम पिया सी। एक औरत रो रही सी रात नूं, ते उहदी ज़ियात भी समाजिक तौर ते, मैं कह रहा गुरमत दे नज़रिए, इन्नी उच्ची नहीं सी, अद्धी रात तो बाद वह उच्ची उच्ची रो रही सी, ते बाबा खुदा सिंह जी उस औरत दे घर अगे पहुँच गए, दरवाजे ते दस्तक दित्ती उहने, दरवाजा खोलिया, उस घर विच एक बजुर्ग औरत नूं पुछिया, तुहाडे घर च रोण दी आवाज क्यों? वो कहन लगे, असल च मेरी नूं दे सीने ते फोड़ा है, उहदा दर्द, उहदा खून उहनूं टिकन नहीं दिंदा पिया। बाबा खुदा सिंह बारे कहा जांदा है जी कि उन्होंने अपने मूँह दे नाल उस गंदे खून नूं चूस के बाहर सड़ दिता सी। मैं बेनती करांगा, वो धर्म स्थान नहीं जिथे वो काम कर रहे, पर उन्होंने उस कर्म नू भी गुरु की सेवा जान के लिया। इत्थे महाराज कहिंदे सेवा कोई भी होवे, हाँ संगत दे चरणा दी धूड़ बन जाई, सेवा च हंकार नहीं दिखाना। फिर बेनती है, सेवा च लेखे नहीं, सच्ची मुची बाणी कहिंदी सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। महाराज ने कहा, पर एक थां ते गुरबाणी ने कहा नहीं, सतगुरु की सेवा भी गवाच जाती है। एक तो मत थोड़ी सेव गवाई है, दूजा शब्द महाराज जी ने वरत्या, जेड़ा बंदा फिजिकल तौर ते दिन रात सेवा करता है, ते दस क मिनट रोज निंदिया दे भावें फोन ते लावे भावें गल्लां च ला जाए, जिहड़ा निंदिया करदा उहदे 24 घंटे उड इंज उडदे आ जिवें तीली ला के, सच्ची गल है,
सुके रूह नूं कोई फूक दिंदा है। सेवा सफल कह पर महाराज जी का शब्द कह पर निंदा मुक्ते नहीं छूटी नेफल पई सब सेवा। महाराज कहिंदे सेवा ओ नूं पाएगी जे सब दे चरणा दी धूड़ बन जाए निमार निर्माणता विच आ जाए। सेवा साथ इस भाव सी संतां की होए छार। अगला बचन दीना नाथ दयाल देव। दीन तो शब्द दीना गरीबां, नाथ दा अर्थ है स्वामी मालक। सीधे अर्थ करांगे दीना नाथ दा अर्थ है गरीबां दा जिदा कोई सहारा नहीं उन्हां दा नाथ उन्हां दा मालक। दयाल दयालु है। देव दा अर्थ है प्रकाश रूप है। दीना नाथ दयाल देव पतित उदाहरण खार। सच एवे ओ पापिया दा पार उतारा करन वाला है, ओ पापिया दा उधार करदा है। इस तोक विच गुरदेव ने प्रभु दे गुण दसे गरीबां दा मालक है दयालु है प्रकाश रूप है ते पापिया दे उधार करता है। ते सतगुरु बचन करदे आ आद जुगादी रखदा। आद दा अर्थ है शुरू तो ते जुगादी दा अर्थ है जदो समा भी नहीं सी बनिया समय तो पहला भी पार ब्रह्म परमेश्वर रखदा आया है अपने भगतां नूं रखदा आया है अपने प्यारियां नूं जिन्हों असी रोज पढ़ने आ भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो धुर तू रखदा आया जां असी करने आ हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे। हजूर ने फरमाया आद जुगादी रखदा कौन जी सच। चचे नूं औंकड़ लगी है एक वचन नाम नूं भी औंकड़ है। करतार वाहगुरु जी का नाम है कि वह जो सच है जेड़ा सच अपने नाम विच वरतदा है। देखो सतनाम भी आउंदा ते सच नाम भी आउंदा। एक दिन मैं इत्थे करे शायद सवेर दी कि शाम दी कथा च कहा सी जिदा नाम होवेगा ना उहदे च नामी वरतदा नाम विच नामी वरतदा। इहनूं सुणियो साडे च नहीं मेरा तुहाडा नाम है वजूद मुक जाना नाम फिर भी अजे बंदा कहिंदा है चलो रहिंदी दुनिया तक इहदा नाम रहेगा। ते मैं एक दिन कहा सी भी इह तां रहना भी किस सेंस विच रहेगा। मन लो बंदा आया नाम रखिया मर गया ते बाद च भावें जिन्ना मर्जी बच्चे कही जाण नाम नूं पर जिहदा नाम सी उही मर गया नामी नहीं हैगा। जिहनूं मरन कहा आया गया मोया नौ उहदा नाम मर गया। पर इह जिहड़ा नामी है जिथे नाम वरतेगा उथे नामी हर हालत विच आएगा ही आएगा। मां अपने सेवक की आपे रख है आपे नाम जपावे जय जय काज कीर्त सेवक की तहां तहां उठता वै। इथे महाराज कहिंदे ने भाई ओ आद जुगाद तो रखदा आया जिहड़ा सच है जिहड़ा नाम विच वरदा है करतार। ते महाराज कहिंदे आ कीमत कोई ना जाने ओदी कीमत कोई नहीं जान सकता। कीमत दा अर्थ ओ तां अमुल गुण अमुल व्यापार अमुल व्यापारी है अमुल भंडार। ओदा अंत कि हर आप अमुलक है मुल ना पाया जाए मुल ना पाया जाए किसे विटो रहे लोक बिल लाए। पर आ ये तरीका दस दिता ऐसा सतगुरु जे मिले तिस नूं सर सौंपिया विचों आप जाए। हजूर कहिंदे ने ओदी कोई कीमत नहीं जानदा ते किसे तरीके नाल ओदी कीमत दा मतलब ओदा मुल ही नहीं पाया जा सकता। परमात्मा अमुलक है जी ओदा कोई मुल नहीं। बाबा जी दा एक शब्द कहे इस श्री राग विच उस दे चार पदे ने ते चारां पदियां दे अखीर विच महाराज इक्को गल कहिंदे आ कि इह कर्म करके इह कर्म करके तेरी कीमत नहीं पै सकदी। आ बचन हजूर दा जिस विच दातार जी ने कहा कोट कोटी मेरी आरजा पवन पीण अप्याओ चंद सूरज दो गुफा न देखा सुपने सौन न थाओ पी तेरी कीमत ना पवै खो केवड आखा नाओ तेरी कीमत नहीं पै सकती। इत्थे दातार कहिंदे ने कीमत कोई ना जानी कोई भी कीमत नहीं जानता। सतगुरु जी ने किते नहीं कहा कि असी परमात्मा दा था पा लिया। बाबा जी ने कहा कहिंदे करोड़ां साल जी के तपस्या करके हनेरे विच बैठ के जे मैनूं पुछे गुरु नानक साहिब कहिंदे पुछे भी ओदी कीमत पा ली। महाराज कहते नहीं ओनू कीमत नहीं पाई जा सकती। को ना ही तोलन हार
कीमत पवेगी ते वेट होगा ना, तो महाराज कहते कीमत की तोल ही नहीं कोई सकता, उन्हें कोई नहीं तोल सकता, इना अगाध बोध है। महाराज कहने मन तन अंतर वस रहे, जो कोई दिन रात उन्हें चेते करता है वह मन विच तन विच आ परमात्मा वसदा है। महाराज कहते नानक नहीं शुमार, पाठ असी शुमार ही करांगे, अर्थ नहीं शुमार, अर्थ उसकी गिनती कोई नहीं, मन तन च रब रहा है पर उसकी गिनती नहीं। तो महाराज फिर अगे सरलेख की व्याख्या करते हैं, दिन रैण जे प्रभ कौ सेव दे, जेडे दिन रात परमात्मा जी नू सेव दे ने, याद करते ने, सिमरन करते ने, तिन कह सद बलिहार, मैं उन्हां तो सदीव काली कुरबान जाना, बलिहार जाना, वारने जाना, जेडे दिन रात कदी भी परमात्मा नू भुलांदे नहीं। इस दूजे पदे विच दातार जी ने यह गल ते जोर दिता, वह सर्व कला समर्थ है, अंदर दी पीड़ा सुनदा है, उन्हों जन्म तो लैके मरण तक विसारीए ना, यह लोक ते परलोक उहदा अपना परिवार है, जिहदा उहदे नाल संबंध बन गया, सच ए वे लोक ते परलोक भी सुहेला है, वह उच्चा है, उहदा थां कोई नहीं, सेवा उही जे सब दे चरणां दी धूड़ बन जाए। अगे महाराज कल नूं फिर बख्शिश करनगे कि उहनूं संत जन किवें आराधदे ने, इह आपां कल नूं विचारांगे। समें दे लिहाज नाल जिन्ने को अर्थ मैं कर चुकिया स्वीकार करियो।